सड़क हादसे में उमरा गांव के मृतक आबिद के परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जांच में जुटी पेनंगवा पुलिस। बता दें कि बाइक और पानी के टैंकर के बीच में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आबिद नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान मृतक आबिद के परिजनों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही पेनंगवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कहा कि इंसाफ दिलवाया जाएगा। आरिफ है मेरा नाम, उमरा गांव में। उमरा गांव है। जो ये रात एक्सीडेंट हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? जो एक्सीडेंट हो जी आबिद हो जी सिकरा हुआ सवार हो जी, काम गया था कुछ जी। एक लड़का था इसके साथ में, पीछे ही बैठा था उसके, तो उधर से आ रहा था, तो ये टैंकर आ रहा था उधर से, वो भी उधर से ही आ रहा था उसी साइड से। ये जैसे साइड ले रहे थे बराबर में से, तो वहाँ पे एक गड्ढा था, तो ये जैसे ये पैर करके बैठा, तो ये उसके उछट के जब जा, उसने साइड दबाया है, जैसे ये कोई आगे कोई सवारी है उस टाइम, कितना हमें तो पता नहीं जी, जैसे हाँ बचाव के लिए, तो इन्होंने उसने टैंकर वाले ने इनकी तरफ तो मोड़ दिया। वो लड़का जो चलाने वाला वो तो गया जी बस, इस ये लड़का जैसे पैरों में वो गड्ढा था या कुछ था, ये उसके नीचे आ गया और वो तो वही उसी टाइम छोड़ दो। चोट तो जी पेट से नीचे आई है इसके चोट, और एक पैर पैर टूट गया, इसका पैर भी टूट गया जी, और एक हाथ टूट गया इसका। इसकी कितनी उम्र है और कितने बच्चे? उम्र एक लड़का जी इसके, और इसके कितनी उम्र है जी? 27 साल उम्र है जी इसके। और बच्चे कितने? एक लड़का जी। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है जी हमारी मदद करी जाए जी, यहाँ गरीब आदमी जी आगे हेल्प करी जाए जी, बस सरकार से हम तो यही मांग करें जी, सरकार इसकी मदद करे जी। हम पानी का टैंकर वाला भाग गया तो वो भाग गया जी, हाँ मौके से वो फरार हो गया था, ट्रैक्टर मतलब टैंकर को वहीं छोड़ गया, ट्रैक्टर को भगा के ले गया वो। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है? पोस्टमार्टम भी अभी नहीं हुआ जी। आप क्या लगते हैं उनके जी? हम तो परिवार में लगा लीजिए।